हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ टॉप ऐसे 20 सेंटेंस, वो भी अपने हाथों से चुन के आपके लिए, कि ताकि आप मेरे जैसे फ्रेंड हैं, जो मेरे भाई हैं, इंग्लिश सीख सकें। तो बिना कोई टाइम बर्बाद किए मैं आपका टाइम 1% भी वेस्ट नहीं जाने देता। तो बिना टाइम बर्बाद किए मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। डिड यू हर्ट योर सेल्फ? डू यू हर्ट योर सेल्फ मतलब होता है चोट लग गई क्या? बिहेव योर सेल्फ, तमीज से बात करो। आपने इसका यूज़ काफ़ी बार किया होगा कि कोई आपसे बदतमीजी बात कर रहा होता है, तो आप यूज कर सकते हैं बिहेव योर सेल्फ। कांट यू सिट स्टिल? क्या तुम चुप नहीं बैठ सकते? डिड मॉस्किटो बाइट यू? क्या आपको मच्छरों ने काटा? ठीक है, हम किसी से बोलते हैं कि क्या मच्छर वच्छर तो नहीं डे, कोई अगर गेस्ट वगैरह आता है तो हम किसी कहते हैं भाई सही से नींद तो आई, तो मच्छर वच्छर तो नहीं काटा? तो हम आप इसमें यूज कर सकते हैं। वो गिव यू द मनी? पैसे किसने दिए तुम्हें? ठीक है, प्लीज गेट मी वाटर, मेरे लिए पानी लेकर आओ। भाई ये वाला तो बहुत बार हम यूज करते हैं, कभी हम छोटे भाई वगैरह से पानी मंगाते हैं तो हम इसके लिए यूज कर सकते हैं प्लीज गेट मी वाटर, किसे पानी मंगवाना। तो डोंट आर्ग्यू विथ मी, डोंट आर्ग्यू विथ मी का अर्थ होता है दोस्तों मेरे से जुबान मत लगाओ। जैसे कि आप लड़ाई झगड़ा होता है अक्सर किसी के साथ हो जाता है, तो कोई आपसे बदतमीजी से बात कर रहा करता है, तो आप इंग्लिश में बोल सकते हैं डोंट आर्ग्यू विथ मी। ओके, फालतू बोल रहा है। नेक्स्ट, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर? तुम क्या ढूंढ रहे हो? डोंट मेक अ नॉइज, शोर मत मचाओ। हम छोटे बच्चों से भी कह देते हैं शोर मत मचाओ, या फिर हम अगर पढ़ाते हो टीचर भी बहुत बार यूज करते हैं कि शोर मत मचाओ बच्चों, तो डोंट मेक अ नॉइस आप यूज कर सकते हो। ब्रश योर टीथ प्रॉपरली, दांत साफ कर लो। भाई दांत साफ कर लो, बदबू आ रही है, आपसे नहीं कह रहा फ्रेंड्स। ठीक है, ब्रश योर टीथ प्रॉपरली यानी दांत साफ कर लो। लो भाई, दांत साफ करने के बाद कुल्ला नहीं करोगे? यानी राइंस योर माउथ, कुल्ला कर लो भाई। दांत साफ करने के बाद कुल्ला भी करना पड़ता है। कॉम योर हेयर, अपने बाल काट लो। कॉम योर हेयर मतलब अपने बाल काट लो। स्टैंड स्टिल, शांत खड़े रहो। दोस्तों ये छोटे छोटे वर्ड्स हैं ना, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको इंग्लिश सीखनी है ना तो आपको इनको ट्राई तो करना पड़ेगा। दो दो शब्द चूज करोगे ना अगर डेली, तो यकीन मानो दोस्तों आपकी इंग्लिश काफ़ी बेटर हो जाएगी। इट इज टाइम टू मेक अ बाथ, यह नहाने का टाइम है। ठीक है, ये हम इसको और किसी में भी यूज कर सकते हैं कि ये खाने का टाइम है, भाई अभी बाद में बात करता हूँ। इट इज ए टाइम टू टेक डिनर। ठीक है, पुट ऑन योर शूज, अपने जूते पहनो। डोंट मेक फेस, मुंह मत बनाओ। कभी कभार क्या होता है कि हम किसी को डांट देते हैं या कोई गुस्सा कोई चिढ़ा, तो क्या क्या होता है कि वो अपना सड़ा सा मुंह बनाते हैं, तो आप कह सकते हैं डोंट मेक फेस। डोंट डिग योर नोज, हाँ भाई नाक में उंगली मत डालो। तो एक बात बताओ कि नाक में किन किन उंगली डाले? अब डालती है और डालते भी है भाई, सिंपल सी बात। तो आप कह सकते हैं डोंट डिग योर नोल्स। ठीक है, और ये एक अनहाइजीनिक हैबिट होती है दोस्तों। ब्लो योर नोज, नाक साफ कर लो। ठीक है, हम किसी छोटे बच्चा होता है हम उसे कहते हैं बेटा नाक साफ कर ले। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ब्लो योर नोज। डिड यू वॉश योर हैंड, क्या तुमने अपने हाथ धोए? जी हाँ दोस्तों, अगर आप कुछ भी खाते हो तो हमें हम सबसे पहले अपने हाथ धोने चाहिए, उसके बाद हमें कुछ खाना चाहिए। ठीक है, तो अगर कोई छोटा भाई है तो हम उससे
पूछ सकते हैं क्या तुमने अपने हाथ धोए, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो डिड यू वॉश योर हैंड्स। पिक उठाओ, इसको उठाओ और कूड़ेदान में डालो। ठीक है दोस्तों, क्या होता है कि गार्बेज होता है, कूड़ा होता है, तो हम किसी को ऑर्डर देते हैं या किसी से कहते हैं, तो हम कहते हैं कि पिक इट अप एंड थ्रो इट इन द डस्टबिन। ठीक है, यानी इसको उठाओ और कूड़ेदान में डालो। किसे ही बोल सकते हैं कि बहुत से लोग गंदगी फैलाने में बहुत माहिर होते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगे तो एक प्यारा सा लाइक और कमेंट लिख के भेजना कि आपको और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो मैं आपके लिए हमेशा वीडियो बनाता रहूँगा। थैंक यू दोस्तों।